दोस्तों, अगर आप भी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या उस बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके मन में ये जानने की इच्छा जरूर होगी कि रेलवे टेक्नीशियन को क्या सैलरी मिलती है, उसे किस किस प्रकार के भत्ते अलाउंस मिलते हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट कब लगता है। दोस्तों, आप ये वीडियो छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको टेक्नीशियन की सैलरी के बारे में सभी प्रकार के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं श्रीकांत मेहरा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी भी टेक्नीशियन को उसकी ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ बेसिक और डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता कहें तो केवल बेसिक और महंगाई भत्ता ही मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा किसी प्रकार के जो अलाउंस होते हैं और अदर अलाउंस होते हैं वो एक रेलवे टेक्नीशियन को ट्रेनिंग के दौरान नहीं दिए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखाता हूँ कि जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो उस वक्त मुझे भी सिर्फ बेसिक और महंगाई भत्ता मिलता था। तो दोस्तों, जो मेरा बेसिक था 19,900 था, जो कि आपको भी यही मिलने वाला है, और महंगाई भत्ता उस समय मेरा 70% था, इसलिए मेरी सैलरी करीब 23,280 रुपये बनती थी। मगर आपकी सैलरी जो है बढ़ के मिलेगी, क्योंकि आपके 19,900 के साथ आपको करीब 42% जो कम से कम महंगाई भत्ता है वो मिलने वाला है। दोस्तों, आज की डेट में आपको जो ट्रेनिंग के दौरान सैलरी मिलेगी तो वो 19,900 और 42% मिलाकर होगी। तो 19,900 का 42% कितना होता है? करीब 8,358 रुपये। दोस्तों, तो ट्रेनिंग के दौरान किसी प्रकार की बड़ी कटिंग आपके सैलरी से होती नहीं है, इसलिए जो आपकी इनहैंड सैलरी होगी तो 19,900 प्लस 8,358 को जोड़ दें तो जो बनती है करीब 28,260 रुपये। दोस्तों, ये जो सैलरी है आपकी इनहैंड सैलरी होगी जो कि ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलने वाली है। दोस्तों, ये तो हो गई आपकी ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली सैलरी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जैसे ही टेक्नीशियन की ट्रेनिंग खत्म होगी और आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी या आपको पोस्टिंग मिल जाती है तो उसके बाद आपकी सैलरी क्या बनेगी। दोस्तों, जैसे ही एक टेक्नीशियन की पोस्टिंग होती है तो उस टेक्नीशियन को रेलवे द्वारा प्रदान किए जाने वाले बहुत सारे अन्य भत्ते जो कि बेसिक और डीए के अलावा, जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस इत्यादि मिलने लगते हैं। और दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट में मिलने वाले स्पेशल भत्ते भी मिलना चालू हो जाते हैं। दोस्तों, इससे मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मुझे बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस के अलावा कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं, जैसे HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस इत्यादि। दोस्तों, सबसे पहले हम सभी भत्तों के बारे में बारी बारी से जानते हैं, उसके बाद हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, HRA की बात करें तो HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। दोस्तों, ये आपको मकान के किराए के रूप में मिलता है और ये भी आपको तीन प्रकार से मिलता है। दोस्तों, जहाँ पर आपका ऑफिस है या ऐसा कहें कि जहाँ पर आपका हेडक्वार्टर है, अगर वहाँ की जनसंख्या 50 लाख या इससे ऊपर की है, जैसे दोस्तों जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, तो दोस्तों इस प्रकार के शहरों में अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको बेसिक का करीब 24% HRA मिलता है। दोस्तों, अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की जनसंख्या 5 लाख से लेकर करीब 50 लाख तक होगी, जिसे हम YCT भी कहते हैं, तो आपको करीब 18% HRA दिया जाएगा। और दोस्तों, सबसे लास्ट में आती है जेड प्रकार के जो सिटी होती हैं जहाँ की जनसंख्या 5 लाख तक होती है, तो वहाँ पर आपको आपके बेसिक का करीब 9% तक का HRA दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम नाइट ड्यूटी अलाउंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, नाइट ड्यूटी अलाउंस आपकी सैलरी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान करता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि नाइट ड्यूटी अलाउंस कितना मिलता है। दोस्तों, आपको एक नाइट करने का या एक नाइट ड्यूटी करने का करीब 120 रुपये मिलने वाला है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप एक महीने में एक हफ्ते में नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो करीब 1,000 के आसपास तो आपका केवल नाइट ड्यूटी बनने वाला है। दोस्तों, इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये अलाउंस आपको आने जाने के लिए जो पेट्रोल खर्च होता है उसके लिए मिलता है, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के दौरान आपको करीब 1,053 रुपये पेट्रोल के अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। दोस्तों, अगर हम नेशनल हॉलीडे अलाउंस के बारे में बात करें तो जब भी कभी नेशनल हॉलीडे रहते हैं या राष्ट्रीय अवकाश होते हैं, जैसे 26 जनवरी हो, 2 अक्टूबर हो या 15 अगस्त हो, तो अगर इनमें हम ड्यूटी करते हैं तो सैलरी के अलावा आपको अलग से करीब 358 रुपये मिलते हैं। यही आपका नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है। दोस्तों, सबसे अंत में हम ट्रैवलिंग अलाउंस यानी TA के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम जब भी अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर या इससे अधिक दूरी पर काम पर जाते हैं तो इसके लिए हमें अलग से यानी सैलरी के अलावा करीब 350 से लेकर 500 रुपये अलग से मिलता है। और दोस्तों, इससे हमारी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होती है। अब फाइनली हम ट्रेनिंग के बाद मिलने वाली सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारा 19,900 जो कि हमारा बेसिक होगा हम उसे जोड़ते हैं। इसके बाद आज के हिसाब से जो 42% DA होगा जो कि आपको मिलेगा करीब 8,350 रुपये उसे जोड़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद महीने में कम से कम एक नेशनल हॉलीडे या कि राष्ट्रीय अवकाश तो हो ही जाता है, तो इसके लिए हम NH का करीब 358 रुपये जोड़ते हैं। इसके बाद HRA जो कि कम से कम 1,800 रुपये आपको मिलने ही वाला है, जोड़ लेते हैं। और दोस्तों, इसके बाद नाइट ड्यूटी जोड़ते हैं। महीने मान लीजिए आप करीब करीब कम से कम 7 दिन नाइट ड्यूटी आपको लगने वाली है, तो 7 दिन के हिसाब से 120 रुपये का करीब 960 रुपये हो गया, तो हम 960 जोड़ते हैं।
और दोस्तों पेट्रोल खर्च के लिए मिलने वाले 1,053 रुपये हम इनको जोड़ लेते हैं। और दोस्तों सबसे लास्ट में हम 4 दिन का ट्रैवलिंग अलाउंस जोड़ लें, यानी कम से कम अगर आप महीने में 4 दिन भी अगर हेडक्वार्टर से बाहर काम करने जा रहे हैं तो हेडक्वार्टर के बाहर जाने का करीब करीब आपको 1,200 रुपये मिलने वाला है। दोस्तों जब हम इसे पूरा टोटल करते हैं तो ये राशि करीब 33,800 रुपये होने वाली है, यानी कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो करीब 33,800 रुपये होगी। पर आपकी इस ग्रॉस सैलरी में से भी एनपी के साथ साथ कई प्रकार की कटिंग भी होती हैं दोस्तों। पर इन सब प्रकार की कटिंगों में सबसे मेन एनपीएस होता है, जो कि आपका सबसे बड़ा अमाउंट होता है। दोस्तों आपके बेसिक और महंगाई भत्ते का जो जोड़ लें और उसका 10% निकालें तो इतना अमाउंट आपका हर महीने एनपीएस के नाम से कटिंग हो जाता है, यानी कि 19,900 रुपये प्लस 8,350 जो आपका बेसिक और जो महंगाई भत्ता है इसका 10% जो कि करीब 2,800 रुपये होगा। यानी कि आपकी जो टोटल सैलरी है 33,800 रुपये ग्रॉस सैलरी, इसमें से 2,800 रुपये घटा दें तो जो 31,000 रुपये आपकी जो सैलरी आएगी दोस्तों ये आपकी नेट सैलरी, यानी कि आपके जो हाथ में मिलने वाली सैलरी है जो एक्चुअल आपको मिलेगी वो 31,000 रुपये होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।